नमस्कार, मैं हूं शिवांगी पाठक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि देश और दुनिया की किसी भी खबर को आप मिस ना कर सकें। और जुड़े रहिए हमारे चैनल चैलेंज न्यूज 24 के। नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शिवांगी। खबरों को देखें विस्तार से। गरीबों के साथ धोखा कर रही केंद्र व प्रदेश सरकार, फरीम अहमद। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह बूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा के निर्देशन पर हर बूथ पर यूथ कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद जालौन के संगठन प्रभारी मुख्य अतिथि के रूप में आए। संगठन के प्रदेश सचिव फरीद अहमद के प्रथम बार जनपद आगमन पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जालौन के जिलाध्यक्ष कुंवर पृथ्वी सिंह यादव ने दर्जनों गाड़ियों के साथ कालपी के यमुना पुल पर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रवेश सचिव ने जिला कार्यकारिणी की सर्किट हाउस कालपी में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के उपरांत कालपी विधानसभा के ग्राम झमलिया बुजुर्ग में समीक्षा बैठक की। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि फरीद अहमद का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि सभी युवाओं को एकजुट होकर इस जनविरोधी सरकार को 2022 में सत्ता से बेदखल करना है। उन्होंने कहा है कि सरकार गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। जिलाध्यक्ष पृथ्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा कालपी के सभी ब्लॉकों को अध्यक्षों को हमारा निवेदन है कि वह घर घर जाकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताएं, जिससे जनता इस जनविरोधी सरकार को सबक सिखाने का काम करे। इस अवसर पर जिला महासचिव मयंक जाटव, जिला उपाध्यक्ष विशाल नौमान, अहमद धीरेन्द्र एवं समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। जालौन यूपी से राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव।